शहर की कृषि उपज मंडी कर्मचारियों ने कार्यालय गेट पर नारेबाजी करते हुए कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर कलमबद्ध हड़ताल का आगाज किया। कर्मचारी संघ इकाई नागदा के अध्यक्ष योगेश राठौड़ द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का मंडी बोर्ड में आमेलन, जिसकी घोषणा मंडी बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समिति सेवा के कर्मचारियों का मंडी बोर्ड में आमेलन करने की घोषणा की गई थी। मंडी बोर्ड द्वारा आज दिनांक तक उक्त घोषणा पर अमल कर आदेश जारी नहीं किए गए, जिसके विरोध स्वरूप प्रदेश की सभी मंडियों के साथ साथ मंडी नागदा में भी कलमबद्ध हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं कर्मचारी। हड़ताल में शामिल कर्मचारी नागेंद्र सिंह राठौर, राय सिंह गुजर, गोपाल कृष्ण कालरा, मनीषा मसानिया, निर्मला सोलंकी, योगेश राठौर, प्रतीश चपरिया, राजेश पटेल, धनश्याम सिंह, अशोक शर्मा, कमलेश बड़गोतिया, नवीन पोरवाल, जगदीश चंद चौहान, श्रीपाल सिंह आदि जन मौजूद थे। अरे मुख्यमंत्री जी आपके सम्मान में, मुख्यमंत्री जी आपके सम्मान में, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के तत्वावधान में प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियां कलमबद्ध हड़ताल पर है। हमारी प्रमुख मांग जो है वो है मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का मंडी बोर्ड सेवा में आमेलन, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 अगस्त को मंडी बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह घोषणा कर चुके हैं। घोषणा होने के उपरांत भी हमारा खुद का अपना विभाग मंडी कर्मचारियों की सुनने को तैयार नहीं है। खूब प्रयास किए गए, पहले उन्हें समझाने के खूब कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन मंडी बोर्ड में सुनवाई नहीं होने से संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज हड़ताल का प्रथम दिन है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। संघर्ष मोर्चा भोपाल के तत्वाधान में कर्मचारियों की 11 सूत्र की मांगे के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से कर्मचारी कर रहे हैं। 50वीं मंडी बोर्ड की वर्षगांठ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंडी समिति के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड में विलय आमले की घोषणा करने के पश्चात भी आज दिनांक तक आदेश प्रसारित शासन द्वारा नहीं किए गए हैं, उसका विरोध करते हुए मंडी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। कई बार आवेदन देने के पश्चात भी कर्मचारियों की मांगे पूर्ण नहीं हुई हैं। कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो मंडी बोर्ड स्वयं स्वीकृत कर सकता है, जैसे मंडी बोर्ड से भुगतान किया जाना सभी का, उसके पश्चात जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण है, कर्मचारियों की पदोन्नति है, आउटसोर्स कर्मचारी की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसे निरस्त किया जाना है, ऐसी कुछ और भी मांगे हैं जो मंडी बोर्ड के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके आदेश प्रसारित आज दिनांक तक नहीं हुए हैं, इसलिए मंडी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल रखी गई है।